अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का मसाला की बहुत शानदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप चिकन की बाकी रेसिपीज भूल जाएंगे। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसे 1 कप आपने योगर्ट लेनी है उसके साथ, और साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया जाएगा इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट इसमें जाएगी 1 टीस्पून, काली मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून और सुरख मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इन सारे स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे इस चिकन के साथ। सारे स्पाइसेस की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल या घी ऐड कर दें, और उसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद में आप इन चिकन के पीसीस को 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर दें। आपने सारा चिकन इसी तरह से इसमें ऐड कर देना है, और जो चिकन का हमारे पास में बाकी मैरिनेशन का जो बचेगा सामान, वो आपने इस तरह से ये योगर्ट को संभाल के रख लेना है। इसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने मीडियम आंच के ऊपर इस तरह से डाम के इसे पका लेना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी आप ऐड कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून। वो ऐड करने के बाद में अच्छे से इसे मिक्स कर दें, और मीडियम आंच के ऊपर दोनों साइड से चिकन को हम बहुत अच्छे से कुक कर देंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये अपना ऑयल जो है वो बिल्कुल छोड़ दे। देखिए चिकन जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा सा ऑयल आ चुका है, और मसाला जो है वो भी बहुत एकदम से इसके साथ चिपक चुका है। अब हम चूल्हे की आग को बंद कर देंगे और इसकी हम ग्रेवी रेडी कर लेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम ऑयल या घी इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम घी मैंने ली है इसके लिए। घी को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। प्याज मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली है, कुछ इस तरह से बारीक हो जाएगी ये। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस तरह का कलर इसके ऊपर जब आ जाए तो आपने इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी हम अच्छे से ब्राउन करेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, और नमक भी इसमें 1/4 टीस्पून जाएगा, क्योंकि पहले से स्पाइसेस सारे ऐड हैं मैरिनेशन में। अब मैरिनेशन वाला जो हमारे पास में बचा हुआ योगर्ट है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से हम भून लेंगे कुछ इस तरह से, और इसकी अच्छी सी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। और ग्रेवी रेडी करने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, इन्हें भी मैंने चॉपर के अंडर चॉप कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना बिल्कुल भी। अब इसकी एक अच्छी सी हम ग्रेवी बना लेंगे। इसे ढक्कन से डाम के आप रख दीजिएगा ताकि अच्छे से सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं। तकरीबन इन्हें मैंने 5-7 मिनट इस तरह से पका लिया है। देखें ग्रेवी जो है वो बनके बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट। ग्रीन चिली को आपने इसके साथ में अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है इसकी, और उसके बाद में आपने इसमें ऐड कर देनी है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 100 ml। इस मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद आपने देखना है कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। फ्रेश क्रीम जो है आपने टेट्रा पैक वाली इसमें यूज़ करनी है, और इसे भी अच्छी तरह से इन सारी ग्रेवी के साथ में हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएँगे। 5 से 7 मिनट तक आप इसे क्रीम के बाद में पकाएंगे। उसके बाद में जो चिकन था, हमने पहले से चिकन टिक्का जो है रेडी करके रखा हुआ है, उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से चिकन को इसमें शामिल करने के बाद में आपने बहुत हल्के हाथों के साथ में चिकन को मिक्स करना है। पैन के अंदर जो भी सारा मसाला लगा है आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके वो मसाला भी इस ग्रेवी के अंदर शामिल कर लेना है। हल्के हाथों के साथ में हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए चमचा चलाते हुए इसे पका लेंगे। उसके बाद में इसे ढक्कन से डाम देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद ढक्कन को खोलने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ। सब्ज़ धनिए को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे।
अब इस सारे ग्रेवी को आपने तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच के ऊपर पकाना है। हल्की आंच हम कर देंगे इसके, 5 मिनट के बाद में हम चेक करेंगे, अगर तो ऑयल सेपरेट हो चुका है तो आपका चिकन टिक्का मसाला बनके एकदम से रेडी है। इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ रिसीव हो सकें। इसे मैं आपको सर्व भी करके दिखाती हूँ। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी इसकी बन के रेडी हुई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।